अलवर में नाबालिग युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। युवक का शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों और परिजनों ने रास्ता जाम कर दिया। भटपुरा निवासी युवक योगेश की मौत एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। परिजनों के अनुसार मृतक योगेश अपने बाइक पर मीनाबास गया हुआ था, जहां बाइक किसी बच्चे से टकराने के बाद हुए विवाद में कई लोगों ने युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद योगेश की हालत खराब हो गई थी। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे जयपुर एसएमएस रेफर किया गया। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक के साथ हुई मारपीट की घटना 15 तारीख की बताई जा रही है। इस मौके पर परिजनों और ग्रामीणों द्वारा मांग की गई मृतक परिवार को 30 लाख रुपये आर्थिक मुआवजा और परिवार में एक सरकारी नौकरी सहित आरोपियों की अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग रखी। पुलिस ने पहले से दर्ज मारपीट के मामले में हत्या की धारा 302 और SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट केस भी बताया जा रहा है और परिजन कह रहे हैं कि मारपीट की गई और लाठी डंडों से मारपीट की गई है। इसी गंभीरता को देखते हुए SP साहब द्वारा इसमें प्रकरण की जो जांच है वो CO लक्ष्मणगढ़ को दी गई है। दोनों प्रकरणों की जांच, इसमें जो भी जांच से सामने आएगा वो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों ने क्या मांगे रखी थी सर इसमें? अभी 5-6 मांगे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग रखी है ज़्यादा, जो मुख्य रूप से है। कुछ आर्थिक सहायता से रिलेटेड है, कुछ जॉब से रिलेटेड है उनके परिजनों के, इससे रिलेटेड मांग। मुकेश जाटव दलित लड़का सन ऑफ ओमी जाटव ओम प्रकाश जाटव का पीट पीट पे कर दिया मर्डर कर दिया। अब क्या करेंगे गहलोत साहब? आप मुख्यमंत्री राजस्थान, आपने जो मॉब लिंचिंग का कानून बनाया है 302 के अलावा, वो कानून भी उन पर लगना चाहिए। और पुलिस की निकम्मापन, उसमें विशेष से एक ASI इलियास, उसने यहाँ तहरीर लेट पहुंचाई, पोस्टमार्टम लेट हुआ, बहुत जोर जबरदस्ती से मैंने पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को भिजवाया। वहां दलित वर्ग में तो आक्रोश है, संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश। रिपोर्ट कराया यहाँ पे, हमने मालूम नहीं कि रिपोर्ट भी कराया यहाँ। रिपोर्ट करने वाले कौन है? रिपोर्ट वही पार्टी सब, वही लड़की वाला, मैं जानू की देखा भी ना अभी थोड़ी मैंने, अब वो नहीं वही पार्टी करे। चाबी कहाँ मिली थी इसकी? लड़का की जेब में मिली पिछली में। युवक की मौत के बाद बवाल मचा है मॉब लिंचिंग से। ये पूरा मौत का मामला है अलवर में। इसके पहले आपने सतीश पुनिया को सुना, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार पर हमलावर हैं, कानून व्यवस्था की मांग को के मसले पर, और लगातार इस परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, उस परिवार में इस वक्त मातम मचा हुआ है और इसके इतर पूरे प्रदेश में इस वक्त और पूरे ज़िले में लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। युवक की मौत के बाद पूरे जिले में बवाल भी है और मॉब लिंचिंग के मामले में राजनीति में फिलहाल गर्मा गई है। लेकिन इस परिवार और इस गांव में इस वक्त देख सकते हैं आप, पूरे सन्नाटा पसरा है, मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग बेसुध इस वक्त हैं और अब इस पूरे परिवार के लिए न्याय की मांग की जा रही है। मॉब लिंचिंग से मौत का ये पूरा मामला, तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अलवर की, और ये मसला बेहद गंभीर फिलहाल होता जा रहा है। दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोगों में आक्रोश किस तरीके से देखा जा रहा है। जो महिलाएं हैं घर परिवार की, वो रोती बिलखते दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पुलिस का पहरा इस वक्त लगा दिया गया है ताकि वहाँ पर कानून व्यवस्था को फिलहाल मेंटेन किया जाए और कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस युवक की पीट पीट कर मॉब लिंचिंग से हत्या की गई है, और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है और परिवार के लिए न्याय की मांग की जा रही है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। युवक की मौत पर अब बवाल पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आज की ये बड़ी खबर है। और युवक की मौत के बाद इस वक्त इस पूरे मामले पर लगातार जिले के भीतर माहौल गर्म है। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था को अब से भी बिगड़ने से रोका जा सके। तो मॉब लिंचिंग से मौत का यह पूरा मामला, तस्वीर इस वक्त आपके सामने, दो तस्वीरें, और जहां पर यह घटना घटी उसके बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जैसे ही घर परिवार के लोगों को पता चला, उसके बाद गांव की स्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या है, घर की महिलाओं की स्थिति क्या है, वो आपके सामने है। एक तरफ वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस युवक के साथ ये घटना घटी है और मॉब लिंचिंग में इसकी जान चली गई है। इसके बाद अब तमाम जो स्थानीय संगठन हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता
इस पूरे मामले पर सरकार पर हमलावर हैं, कानून व्यवस्था के चौपट होने का आरोप लगा रहे और इस परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं लोग धरने पर बैठे हैं और एक तरफ पुलिस व्यवस्था इस वक्त चकाचौंध वहां पर लगाई गई है ताकि लोगों को समझाया जा सके और माहौल और खराब ना हो सके। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अलवर में ये बड़ी घटना घटी है और दो कांग्रेस जिस तरीके से राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में इतने वर्षों तक अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की जो राजनीति करती रही, उसकी परिणति यह है कि आज राजस्थान के दलितों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा। सतीश पुनिया को आपने सुना और इसके अलावा ज्ञानदेव आहूजा भी इस पूरे मामले पर बीजेपी पर हमलावर हैं। दलित कहा जा रहा है कि दलित के साथ ये मारपीट की गई है। जुगल किशोर गांधी हमारे साथ हैं। जुगल, पूरी जानकारी क्या है, मौजूदा स्थिति अभी क्या है? अभी मैं बताना चाहूंगा मामले में जो घटनाक्रम है, जो योगेश जाटो नाम के युवक की जो यह मौत हुई थी, इसकी 15 तारीख की तो यह घटना थी और 18 तारीख को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद शव को परिजनों ने सड़क पे रखकर और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया था और अपनी विभिन्न मांगों को रखा गया था। अभी तक की जो स्थिति है, परिजन जो चाहते थे वो आर्थिक मुआवजे की बात कर रहे थे, 30 लाख रुपए उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन ये चाहते थे कि मॉब लिंचिंग एक्ट में यह दर्ज हो, साथ में 302 हत्या का मामला भी दर्ज किया जाए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इस पूरे मामले में जो कल 5 घंटे तक यह सड़क पर हंगामा चलता रहा, शव को सड़क पर रख के हंगामा किया गया, परिजनों ने आक्रोश जताया था और इस मामले में प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अभी तक अगर 5 दिन बीतने के बाद की हम बात करें, अभी तक पुलिस अनुसंधान में जुटी है और किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है और किसी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में जो परिजन है वो आक्रोशित हैं, ग्रामीण हैं वो आक्रोशित हैं और पुलिस के ऊपर यह भी आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया, क्योंकि एक मामला यह जाति विशेष से जुड़ा हुआ था। जिन लोगों ने मारपीट की थी उनके नामजद 4 लोगों के 6 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जुगल, लेकिन चूंकि मसला 5 दिन पुराना है, कल से माहौल बेहद गर्म हो चुका है, बीजेपी भी इस पर हमलावर है और जब चिन्हित किया जा चुका है तो पुलिस आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रही है? देखिए, जिस तरीके से यह मामला है, क्योंकि मामला दोनों तरफ से दर्ज कराया गया था, जिस तरीके से यह घटनाक्रम था, मैं एक बार फिर बता दूं, यह 15 तारीख की जो घटना है, जो योगेश जाटव नाम का लड़का था वह मीनाबाद की तरफ गया हुआ था, अपनी बहन के गांव से वापस लौट रहा था, जहां पर यह बताया गया है कि उसकी बाइक से किसी एक छोटी बच्ची की टक्कर हुई थी जिसे मामूली खरोच आई थी। तब बच्ची के परिजनों या उनके जो और लोग थे, वहां विशेष समुदाय के लोग थे, उन्होंने उस युवक के साथ मारपीट की, जैसा परिजनों ने यहाँ रिपोर्ट में दर्ज कराया है पूरा मामला। उसके अनुसार वो घायल हो गया था गंभीर रूप से, उसे परिजन अलवर लेकर आए थे। यह सारी घटना 15 तारीख की बताई जा रही है। फिर उसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में जयपुर एसएमएस अस्पताल ले गए थे, वहां पर इलाज के दौरान 18 तारीख को उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में परिजनों का जो आरोप है यह मॉब लिंचिंग है, उसकी हत्या की गई है और जाति विशेष के ऊपर उनका आरोप था। बिल्कुल, और जुगल इसके बाद ये मामला और बड़ा होता जा रहा है, चूंकि अब देखिए, देख सकते हैं आप, परिवार के लोग भी धरने पर बैठे। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए और पूरे मामले में की मांग कर रहे हैं।